फर्स्ट पार्ट इज पी पार्ट, इसमें गिवन है y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 3 कॉस इनवर्स ऑफ x. इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4x क्यूब माइनस 3x. नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 × 4 = 12x स्क्वेयर माइनस 3, एंड द सेकेंड डेरिवेटिव इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू, दैट इज इक्वल्स टू 24x. नाउ इन वैल्यूज को गिवन एक्सप्रेशन में एक बार रख के देखते हैं. यहाँ पर वैल्यूज गिवन है 1 अपॉन वाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स. इन वैल्यूज को यहाँ पर रखने पर फाइनली जो वैल्यूज मिलने वाली है दैट इज 1 अपॉन वाई. 1 अपॉन वाई मीन्स 1 अपॉन 4x क्यूब माइनस 3x एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज 24x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12x स्क्वेयर माइनस 3, और वी कैन से 24x इंटू एक्स स्क्वेयर 24x क्यूब एंड 12x स्क्वेयर इंटू एक्स इज 12x क्यूब. इन दोनों का सम हो जाएगा 36x क्यूब माइनस 24x एंड माइनस 3x इज माइनस 27x डिवाइडेड बाई 4x क्यूब माइनस 3x. ऊपर कॉमन आ जाएगा 9. फाइनली जो ऊपर वैल्यूज आएंगी 9 इंटू 4x क्यूब माइनस 3x अपॉन 4x क्यूब माइनस 3x. दीज टू वैल्यूज विल बी कैंसल्ड आउट एंड द फाइनल आंसर विल बी 9. क्वेश्चन नंबर क्यू, आपको एक पॉलीगन गिवन है. हमने यहाँ पर एक हेक्सागन बनाया है एंड हेक्सागन से ज़्यादा लाइक 6 से ज़्यादा साइड्स भी हो सकती हैं. हियर n इज ग्रेटर देन 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर फर्स्ट वर्टेक्स को अज्यूम किया, लेट इट बी i. मीन्स वेक्टर, अगर इसका पोजिशन वेक्टर हम कंसिडर करें तो हमने a1 को अज्यूम कर लिया, लेट इट बी i. एंड सिमिलरली a2 को हम अज्यूम कर सकते हैं. यहाँ पर a2 इज इक्वल्स टू वेक्टर a2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा विल बी cos ऑफ 2π/n i प्लस साइन ऑफ 2π/n j. ऑब्वियसली बात है कि कोई भी साइड है वो सेंटर पर 2π/एंगल या सबटेंड करने वाली है 2π/n. एंड a2 वेक्टर के लिए पोजिशन वेक्टर हमने अज्यूम किया cos ऑफ 2π/n i कैप प्लस साइन ऑफ 2π/n j कैप. सिमिलरली a3 इज इक्वल्स टू वेक्टर a3 इज इक्वल्स टू cos ऑफ 4π/n i कैप प्लस साइन ऑफ 4π/n j कैप. इस तरह से हम सभी वर्टाइसिस को अज्यूम कर सकते हैं एंड हर दो वर्टाइसिस के बीच में जो एंगल सब्सटेंड होगा दैट विल बी 2π/n. नाउ इन दिस क्वेश्चन गिवन है मॉड ऑफ समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 ak क्रॉस ak प्लस 1 वेर ak एंड ak प्लस 1 आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ kth वर्टेक्स एंड k प्लस 1 वर्टेक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 ak डॉट ak प्लस 1. अगर हम वैल्यूज रखते हैं फॉर एन एग्जांपल a1 के लिए हमने वैल्यू पुट की i कैप एंड a2 के लिए हमने वैल्यू पुट की cos ऑफ 2π/n i कैप प्लस sin ऑफ 2π/n j कैप. देन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं देन फाइनली कुछ इस तरह से वैल्यूज होंगी. सभी वैल्यूज sin 2π/n में कन्वर्ट हो जाएंगी एंड फाइनली कुछ ये आंसर आने वाला है n-1 sin ऑफ 2π/n k कैप. एक बार दोबारा यहाँ रिपीट कर देते हैं लाइक k इक्वल टू 1 तो यहाँ से वैल्यूज आएंगी a1 क्रॉस a2 k इक्वल टू 2 देन a2 क्रॉस a3. इस तरह से वैल्यूज होंगी, समेशन में वैल्यूज आएंगी एंड हर क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी विल बी साइन ऑफ 2π/n k कैप. सिमिलरली ऑन राइट हैंड साइड ak डॉट ak प्लस 1 अगेन यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं a1 के लिए i कैप एंड a2 के लिए cos ऑफ 2π/n i कैप प्लस साइन ऑफ 2π/n j कैप. देन फाइनली यहाँ पर जो आंसर्स मिलने वाले हैं विल बी n-1 cos ऑफ
टू पाई बाई एन। दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से वैल्यूज आ जाएंगी साइन ऑफ टू पाई बाई एन इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ टू पाई बाई एन और वी कैन से टेन ऑफ पाई बाई एन टू पाई बाई एन इज इक्वल्स टू वन। नाउ अगर n की यहाँ मिनिमम वैल्यू देखनी है देन हम लोग जानते हैं कि tan ऑफ 2 पाई बाई n मिनिमम वैल्यू मींस मिनिमम एंगल पर वैल्यू अगर अचीव करता है 1 देन एंगल की वैल्यू होनी चाहिए 2 पाई बाई n इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 देन n इज इक्वल्स टू 8। तो ये आंसर हो जाएगा q ऑप्शन के लिए n इज इक्वल्स टू 8। आर ऑप्शन में एलिप्स की इक्वेशन गिवन है दैट इज एक्स स्क्वेयर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 3 इक्वल टू 1 एंड इस एलिप्स पर एक पॉइंट है दैट इज एच कॉमा 1 जहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है नॉर्मल ड्रॉ किया है एंड द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। देन ऑब्वियसली बात है हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल का जो स्लोप होना चाहिए वो 1 होना चाहिए बिकॉज इस लाइन का स्लोप है -1 देन स्लोप ऑफ नॉर्मल जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं mn से दैट इज इक्वल्स टू 1। नाउ बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन यहाँ से dy/dx फाइंड करते हैं विच रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज 2x अपॉन 6 प्लस 2y अपॉन 3 dy/dx इज इक्वल्स 0 और वी कैन से dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 2y। देन ऑब्वियस ही बात है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा माइनस dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 2y अपॉन x बट फ्रॉम द रिलेशन फर्स्ट यहां पर गिवन है आपको mn इज इक्वल्स टू 1 तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 2y इज अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 और वी कैन से x इज इक्वल्स टू 2y। दिस इज अ रिलेशन नंबर 2। नाउ x इज इक्वल्स टू 2y एंड गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स दोनों को अगर हम एक साथ सॉल्व करते हैं यहां से फाइनली वैल्यूज मिलने वाली है दैट इज 2y होल स्क्वायर अपॉन 6 प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 और वी कैन से 2y square means 4y square upon 6 or we can say 2y square upon 3 and y square upon 3 means 3y square upon 3 equal to 1 then y square is equals to 1। So finally yahan se y ki do values milne wali hai plus 1 and minus 1। Now if y equal to plus 1 and minus 1 then y ki value again put karte hain in the given equation 2 then we have x is equals to either plus 2 or minus 2 means given normal do points se pass hoga yahan par first point is 2, 1 and the second point is -2, -1 lekin question mein given hai ki normal draw kiya gaya hai h, 1 point se then obviously baat hai ki agar yahan par ordinates match karenge to linear equations mein abscissa bhi equal honge then h is equals to answer आ जाएगा 2। That's why यहाँ पर final answer होगा h is equals to 2 in R option। अब part S देखते हैं यहाँ पर S में आपको given है tan inverse of 1 upon 2x plus 1 plus tan inverse of 1 upon 4x plus 1 is equals to tan inverse of 2 upon x square। क्वेश्चन में गिवन है कि पॉजिटिव सॉल्यूशंस यहाँ पर फाइंड करना है देन ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 से ज़्यादा है और डिनोमिनेटर अगर 1 से ज़्यादा होगा तो टोटल वैल्यू यहाँ पर 1 से कम होगी एंड ये भी टोटल वैल्यू क्या होगी 1 से कम। देन फाइनली हम यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फाइनली यहाँ आंसर आएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस x plus y means 1 upon 2x plus 1 plus 1 upon 4x plus 1 and niche values aayengi 1 minus xy means 1 upon 2x plus 1 into 1 upon 4x plus 1 that is equals to 10 inverse of 2 upon x square।
नाउ 10 इनवर्स से 10 इनवर्स को कैंसिल कर देते हैं और फाइनली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो तीन सॉल्यूशंस मिलते हैं, 0, माइनस 2 अपॉन 3 एंड 3. बट इन द गिवन क्वेश्चन गिवन है कि x की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, देन 0 आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, इनफैक्ट माइनस 2 अपॉन 3 आंसर भी रिजेक्ट हो जाएगा एंड फाइनल आंसर विल बी x इज इक्वल्स टू 3 इज द ओनली आंसर.